गांव में जैसे गर्मियों दिन में ख़त्म हो जाता है सारा काम, उस हिसाब से काम मिलता नहीं था गांव में, तो सारे कहते थे दिल्ली जाए, पैसा इतना लाए। आस्था नाम के था हमारे गांव में, पता टोली के था, हाँ वो लेके आया था। पंजाबी बाग में रहती थी, मेरे को रात दिन मतलब सुबह से शाम तक पूरा रात भर काम करवाते रहते थे। पैसे तो नहीं मिला था, 2 साल की कमाई, 1 साल की नहीं मिला। क्यों नहीं मिला पता नहीं, उन्होंने ले के गए थे, मेरे को हाथ में भी नहीं दिया था पैसा। जो ट्रैफिकिंग करके आती हैं महिलाएं, जो झारखंड से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, इस तरह से जो गांव एरिया से जो महानगरों में काम करने आती हैं लड़कियां, उनका रेस्क्यू का काम करते हैं। कुछ रिसेंटली अभी जो लड़कियों का हमने रेस्क्यू किया था, जो प्लेसमेंट एजेंसी से था, जो कि लड़कियों को जानबूझ के बहला के लेके आया था कि मतलब हाँ चलो दिल्ली में एक कंपनी में काम करना है बोल के लाए थे। उसके बाद में उसको घर में इन हाउस में लगा दिए, क्योंकि उनको बोला गया लड़कियों को कि मतलब अभी कंपनी में काम नहीं है तो आप घर में काम करिए। ऐसे लगता है मुझे कि झारखंड में जो बेसिकली पैसा की जो कमी है वो बहुत बड़ी बात है, और रोज़गार की जो कमी है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि डायरेक्ट इनकम नहीं है किसी के पास में। अगर वो आगे भी पढ़ना चाहता है, अगर पेरेंट्स नहीं पढ़ा रहा है, 12वीं के बाद में कोई ऑप्शन नहीं होता है, हाँ, तो इसलिए वो लड़कियां आसानी से कोई जाता है, दिखता है कि हाँ आपको अगर आप जाना चाहते हो तो मेरे साथ चलिए काम करना है, वहाँ पे अच्छा पैसा मिलता है, तो आसानी से वो बहल जाती है। देखो माइग्रेशन तो हम बोलेंगे मैं भी माइग्रेट हूँ, आप भी माइग्रेट हैं। माइग्रेशन एक राइट्स है। माइग्रेशन राइट्स मतलब सबका अधिकार है कि कहाँ भी जाके काम कर सकता है। 2006 से 2018 अगर देखें, अभी ट्रैफिक ज़्यादा है, मतलब बहका के मतलब पूरा एक गैंग जैसे ट्रैफिकिंग के लिए काम करता है। हम लोग का गाँव का है केसलपुर में रहता है, वो लड़की लाई थी भागा के, जब रे चलो चलो बल्कि बोली, फिर ये नया दिल्ली लेके गई है। वहाँ आप लोग का किराया में रूम लिया है, वहाँ रखे थे, वहाँ रहे थे 7 के 8 दिन रहे थे, तब काम पे लोग आए थे बाद में। बताया था कितना पैसा मिलेगा? नहीं बताया था, पता नहीं था, और मेरा नाम को भी दूसर बताया था, नाम सबका चेंज किए थे। हम फोन किए वो लड़की को, फिर लेने आओ हम नहीं रहेंगे यहाँ बोल के बोले, तो गई वो लड़की तो लेके चलाई आप लोग का रूम। वो बोल रहा है कि इसका पति बोल रहा था कि 12,000 तेरा दीदी से लाओ मांग के और चल जाओ, क्योंकि 100 से ज़्यादा लड़कियों को रेस्क्यू करा है, और ये ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 20-25 ईयर्स करा है, तो इसलिए हमें बहुत सारे इस तरह के अनुभव हैं। और जो हमारा अनुभव है वो ये है कि ट्रैफिकर कोई प्रोफेशनल ट्रैफिकर नहीं है। ज़्यादातर जो ट्रैफिकर इनिशियल लड़कियों को गांव से ला पाते हैं, वो उन्हीं के गांव के लड़के, उनके पास के गांव के लड़के, उनके रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव, यही सब होते हैं जो उनको आसानी से झांसा दे सकते हैं कि उनके साथ शादी करेंगे, उनको घुमाने ले जा रहे हैं, वापस ले आएंगे। किसी भी तरह का झांसा देना उन लोगों के लिए बहुत आसान है, पर वो फर्स्ट कड़ी हैं इसकी, ट्रैफिकिंग की। वो एक बार उन लड़कियों को लेकर आते हैं गांव से, तो दूसरा जो एजेंट्स हैं रांची में मिलते हैं ज़्यादातर, उनके पास छोड़ देते हैं, वो यहाँ दिल्ली में तीसरे एजेंट के पास छोड़ देते हैं या एजेंसी के पास छोड़ देते हैं। फिर ये एजेंसीज हैं जो एक्चुअली सबसे ज़्यादा पैसे कमाती रही हैं। हमने सुना है कि आजकल तो जो एजेंट हैं जो लड़कियों को यहाँ लेकर आते हैं, उनको भी 10-20-30 हज़ार रुपये प्रति लड़की ट्रैफिकिंग करके लड़की ला के एजेंसी को देने के मिलते हैं। हमारी लड़कियां हम लोग काम पे लगाते हैं, तो उन लड़कियों के थ्रू हमें पता चलता है कि यहाँ एक लड़की फंसी हुई है। जैसे एक लड़की को हमने रोहिणी सेक्टर 13 से हम लोग रिस्क्यू किए थे, वो लड़की 10 साल से घर नहीं जा रही थी, और उसी गांव की जो लड़की है वो हमारे निर्मला निकेतन में आई थी और हमारे यहाँ काम कर रही थी। तो जब यहाँ सोसाइटी में उस लड़की घर में नीचे पानी भरने के लिए आई थी, तो उसने हमारी लड़की ने देख लिया, फिर वो हमें बताई कि दीदी ऐसे ऐसे हमारे गांव की जो लड़की 10 साल से वो घर भी नहीं गई है और उसको जाने भी नहीं दे रहे हैं। हमने कोशिश किया फर्स्ट में, फिर हमें लगा कि इन लोग नहीं देंगे लड़की को,
तो फिर हमने गांव से वो लड़की को भेज के उसके पापा को बुला के लेके आई। तब पुलिस कंप्लेंट किया और एकदम से हम लोग अचानक जाके गए पुलिस लेके, लेकिन वो लड़की को वहाँ से बिल्कुल हटा दिए और हमें वहाँ तक पुलिस वाले अंदर गए देखे, वो लड़की नहीं थी। फिर उसको रात को एक डेढ़ बजे के करीब लड़की को एम्प्लॉयर ही यहाँ के एड्रेस में छोड़ के गए। हम माइग्रेशन को बेसिकली चाहते हैं कि वो हेल्दी रूट में माइग्रेट हो, ऐसा नहीं कि एक डिब्बे में गाय बकरी की तरह लड़के को जैसे आते हैं और प्लेसमेंट एजेंसी में छोड़ते हैं, उनको ज़बरदस्ती एक्सप्लॉइट करके करने के बाद फिर उनको काम में लगाते हैं। इस तरह से वातावरण हम नहीं चाहते, इस तरह से माइग्रेशन हम नहीं चाहते। और जो हमने नेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वर्कर के साथ मिलकर कानून ड्राफ्ट किया है, जो हम चाहते हैं पार्लियामेंट से इम्प्लीमेंट हो, उसकी एडवोकेसी कर रहे हैं, वो कानून फिर अपने आप में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं करता है कि लड़कियां डिग्निटी के साथ घरेलू काम कर सकें।